नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं विपुल गर्ग आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिस प्रकार गुजरात मिशन गुजरात 2022 में मोदी घर घर जा रहे हैं और शहर शहर में प्रचार कर रहे हैं और एक रैली नुमा माहौल बना रहे हैं। तो आजकल जिस प्रकार इलेक्शन का दौर है और जब इलेक्शन आते हैं तो ये नेताओं को जनता की याद आती है, वैसे तो जनता को भूल जाते हैं ये लोग। और जिस तरीके से आज मोदी रैलियां कर रहा है सूरत में, वडोदरा में, तो उससे ये लग रहा है कि मतलब नेता जब वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी ने बोला है कि अब डोर टू डोर कैंपेन हम चलाएंगे, लेकिन हमारे जो बापूजी के करोड़ों साधक हैं उनकी इतने सालों से मांग है, 9 साल हो गए हैं, अधिक बरस बीत गए हैं और हमारे बापूजी को आज तक बेल नहीं मिल रही है और वो वेट कर रहे हैं। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, और सुप्रीम कोर्ट भी बापूजी को बेल देने के लिए आनाकानी कर रहा है, बहाने कर रहा है। तो अब साधकों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, और अगर बापू को बेल नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, ऐसा कैंपेन साधक चला रहे हैं। वोट की चोट करेगा भ्रष्टाचार पर चोट। जी हाँ, एक भ्रष्टाचार है जो कि पॉलिटिकल साजिश के तहत नारायण साईं जी बापूजी को जेल के अंदर रखा गया है और बेल की कोई बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट टालम टाल करता है, कभी कहता है ट्रायल पूरा करो, कभी कहे मुख्य गवाहों की गवाहियां पूरी कर लो, कभी बोलता है कि बापूजी आएंगे तो कानून व्यवस्था बाहर बिगड़ जाएगी, और वहीं बड़े बड़े अपराधियों को और बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उनको बेल मिल ही जाती है, क्योंकि बेल मिलना एक राइट है, मौलिक अधिकार में आता है। यहाँ हम देखते हैं करोड़ों साधक जिनको फॉलो करते हैं आज भी, इतने सारे लांछन आरोप के बाद भी, लेकिन आज भी बापू जी के साधक उनको पूर्ण रूप से एक अपने गुरुदेव के रूप में मानते हैं। लेकिन हमारे कानून जो प्रणाली है बहुत ही सुस्त है और अंग्रेजों के कानून अब तक हम लाते आ रहे हैं। 8 साल से गुजरात ट्रायल चल रहा है, हमारे साधक मांग कर रहे हैं कि अब इसका नतीजा आना चाहिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज मैं आप सबसे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये अपील करने आया हूँ कि बापूजी के साधकों को अब जागना होगा, क्योंकि हम जागे नहीं तो फिर सोना पड़ेगा, और बहुत जब हम दूर तक पहुंच जाएंगे फिर कोई अब पछताए क्या हो, फिर चिड़िया चुगे खीर। तो अभी जागेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि आज मोदी को घर घर वोट के लिए जाना पड़ रहा है। अगर मोदी बापूजी के करोड़ों साधकों की बात सुन लें तो उसको ये नौबत ना आने पाए, और दिल से हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने रैली, कितने आंदोलन, कितने ज्ञापन और कितने प्रदर्शन, धरने, प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल करने के बावजूद बापूजी को आज जेल के अंदर रखा गया है। और जिस प्रकार 8 साल पहले चंडीगढ़ की सभा में नारायण साईं जी ने ऐलान किया ओजस्वी पार्टी का, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम अपनी एक पॉलिटिकल विंग बनाएंगे, तो इसमें बुरा क्या है, लेकिन अहंकारी नेताओं को ये राश नहीं आया। और उस समय तत्कालीन वहां के जो नेता थे, जिसमें सीएम मोदी भी थे और गुजरात के अमित शाह गृह मंत्री थे, उन्होंने नारायण साईं को पुराना 12 साल के इस रचा साजिश के तहत, और बापूजी और नारायण साईं जो आज बापूजी को जेल के अंदर रखा गया है, गुजरात केस के कारण भी बापूजी को बेल नहीं मिल पा रही है। कई लोग कहते हैं गुजरात केस तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो छूटे जाएंगे, बॉस को कानून नहीं, ये नहीं है, लेकिन नारायण साईं जी को उसी केस में आजीवन हो गया। तो ये हमें गंभीरता को समझना होगा, ये केस बनाए फंसाने के लिए, लेकिन हमको अपनी पॉलिटिकल ताकत को दिखाना होगा। जिस प्रकार बाबा राम रहीम के लोगों ने अपने साधकों को एकजुट किया है और जब भी कोई राजनीतिक इलेक्शन होता है उनको पैरोल और बेल मिलती है, उस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो साधक हैं उनकी आवाज भी सुनी जाए। बापूजी की 86 साल के अधिक की उम्र है और आज उनको पैरोल या बेल या उनको कोई भी राहत नहीं मिल रही है, और 1-2 घंटे के लिए तक आज तक बेल नहीं मिली, और इस विषय पर कोई बोलने वाला नहीं है, मानो बड़े खूंखार आतंकवादी के रूप में उनको पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मीडिया ट्रायल के द्वारा बापूजी की इमेज को धीरे धीरे ध्वस्त किया गया, लेकिन फिर भी जो भक्तों के दिलों में बसे हुए हैं, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा और भगवत सेवाओं के द्वारा लोगों के दिलों में, साधकों के दिलों में जगह बनाई है। हमें कोई पैसे नहीं देता है कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन हमारे दिल की आवाज है। और आज हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आपको मोदी घर घर और डोर टू डोर कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब करोड़ों साधक आपके साथ जुड़ जाएंगे। क्यों नहीं बापूजी को बाहर निकालते हैं, किस बात की शर्म और लिहाज करते हैं, जब बाबा राम रहीम बाहर आ सकते हैं तो आसाराम बापू क्यों नहीं आ सकते। आप जब उनके आशीर्वाद लेते थे, मुझे कोई नहीं जानता था, तब से बापूजी के आशीर्वाद मिलते रहे हैं। मैंने बापूजी को गुजरात की गलियारों में सुना है, उत्तर प्रदेश की गलियों में सुना है, और हरियाणा में सुना है, दिल्ली में सुना है, ये आप ही के वचन थे मोदी। और आज
आप इतने कृतघ्न हो गए हैं कि उनको एक पैरोल और बेल नहीं दिलाना चाह रहे? ये कौन सी साजिश है, कौन सा षड्यंत्र है, ये कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं? अपने अंदर के और बाहर के कोई भी लोग हों, लेकिन बापूजी को अगर कोई न्याय दिलाना चाहे, बापूजी को कोई बेल दिलाना चाहे, इसमें तो अगर वो चाहें विल पावर से, तो ये कोई भी इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। दुनिया भर के लोगों को मिल जाती है। साध्वी प्रज्ञा जिन पर टेररिस्ट के आरोप लगे, उनको तक पैरोल और बेल और वो केस से बाहर आ गई और आज वो सांसद हैं। तो इसी प्रकार बापूजी के केस में इतना साल हो गए हैं, कोई भी न्याय और हमारे को राहत नहीं मिलती जा रही है। हम सभी साधकों से ये अपील करेंगे, गुजरात इलेक्शन है और इसमें जागिए, आप इसमें जागिए और इन नेताओं को अहंकार को कुचलिए। अगर ये लोग बापूजी को गुजरात इलेक्शन के पहले नहीं लाते हैं, तो इनके खिलाफ वोट देकर इनको इनके दिखाइए क्या औकात है। और हम लोग ही, हमारे जो नागरिक हैं देश के, वो जनता ही जनार्दन होती है, इनको अर्श से फर्श पर ला सकती है और फर्श से अर्श पर ला सकती है। तो हमें साधकों को अपने हौसलों को बुलंद करना पड़ेगा और अपने अपने जो भी अपने वार्ड हैं, जो अपने अपने विधानसभाएं हैं गुजरात में, उन सभी में हमारे साधकों को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस प्रकार डीजी बंजारा जी पार्टी लेके आए हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, तो हम लोग इनको वोट नहीं देंगे। आज मैं सभी साधकों से ये अपील करता हूँ, गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु को बाहर लाने का संकल्प करें और ऐसे दुष्टों का खात्मा हो ऐसा संकल्प करें। हरिओम हरिओम विपुल गर्ग, दिल्ली से नारायण 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 नारायण।